आई रिमेम्बर कि आपने एक दफा कहा था कि मैं पैसे लेके मैच नहीं हारूंगा। दैट रिफर्स टू अ सर्टेन स्टोरी। या वो स्टोरी हमें बताएं कि वो पीछे क्या स्टोरी है। वो बस ऐसी था कि मुझे कहा गया कि बहुत सी इंडिया में फिल्म बन रही थी कोई आमिर खान की गजनी, उसके लिए उन्होंने अप्रोच किया। मैंने मैं पहले थोड़ी इसकी हिस्ट्री बता दूं कि मैं कोई ऐसा फनेटिक नहीं हूं कि मैं आज उठूं और मैं बेसिकली कश्मीरी हूं और कश्मीर में जितने दिन से आर्टिकल लगा हुआ है वो जो कैद है हर चीज़ वहां पे। अभी आपने कहा बहुत सी बातें हुई थी इंडियन एक्टर्स और फलां एक्टर्स, मेरे लिए मेरा कैरेक्टर जो है, मेरा फन जो है वो सेकेंड है। मेरे लिए मेरा किरदार पहला है। मुझे मैं कौन हूँ, मैं किस चीज़ में बिलीव करता हूँ, मैं कौन। आज आप फलस्तीन के लिए मैकडॉनल्ड्स छोड़ रहे हैं तो कुछ कर ही रहे हैं ना। इस तरह मैंने फिल्म छोड़ दी तो क्या हुआ। तो मेरा और इतने कदर नहीं है भाजी, कदर नहीं है। हीरे रुल गए ने, हीरे आ हीरे बैठे ने। आ देखो पहले पत्थर होंदा सी, रगड़ रगड़ के हीरा कीता है। लेकिन कदर ही नहीं, इतने डिग्री नहीं मिलती पाया ने, इतने 37 डिग्री मिलती। सही गल, डिग्री हरारत मिलती है कितनी है। म्यूजिक डायरेक्टर रुल गए ने इतने, आ तुहाडे सामने बैठा म्यूजिक डायरेक्टर। हां बिल्कुल, इस ने बड़े बड़े गाने भाजी मैं बनाए, मेरे को नहीं बने। जितने भी ऑडियो और वीडियो फिल्में बनाई सारी लीक हो गई। लीक हो रहे हो, सीमेंट खाया करो। तुम मेरी गल नहीं मनी तो अखीर लीक हो गई है ना सारिया तुहाडियां चीजां। ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਮਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਭੋਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੀ ਕਰੰਸੀ ਆਣਾ ਚਲੇ, ਹਮਾਰੀ ਕਰੰਸੀ ਵਾਂ ਚਲਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਵਾਹ 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 ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ।